नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ ससुराल पक्ष के लोगों के लिए अशुभ साबित होती है ऐसी स्त्रियाँ, कहीं इनमें आप तो नहीं। प्यारे दोस्तों, भारत में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है, यह बात और है। इन देवियों के साथ हमारा समाज क्या सलूक करता है यह भी हम जानते हैं, लेकिन यह बात सामाजिक दृष्टिकोण से थोड़ा हटकर है। वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममत्व के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये सब भावनाएं हर महिला में समान रूप से देखी भी जाती है, लेकिन जिस तरह हाथों की पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्त्री ममता की भी मूरत नहीं होती। हमारा समाज स्त्री को परिवार की इज्जत मानता है और बहुत हद तक स्त्री को ही यह जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि वह अपने परिवार और कुल के नाम पर कोई आँच न आने दे, और हर संभव प्रयास करके औरत ये काम करती भी है। परंतु कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनके लिए ये कहना बहुत ही कठिन होगा कि वो अपने परिवार और अपने कुल की मान मर्यादा को संभालने के काबिल होती हैं। प्यारे दोस्तों, जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती है, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती है, वही कुछ हिस्से ऐसी भी होती है जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बनते हैं। ऐसी स्त्रियों को सामाजिक भाषा में कुलक्षणी कहा जाता है। ऐसी महिलाओं की पहचान सामान्य तौर पर करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उन्हें जाना जा सके, लेकिन भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ व्रत संहिता के अनुसार ऐसी कई नीति है या ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे मोहरे को देखकर उनके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। अब मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से आप अपने आसपास की औरतों के बारे में या अपने जीवन में जिनको आप खास स्थान देने जा रहे हैं उनकी पहचान कर अपने जीवन में इस तरह का कुछ होने से पहले आप संभल सकते हैं। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुलक्ष्मी करार देते हैं। व्रत संहिता के अनुसार ऐसी स्त्री जिनके पैर की कनिष्ठ का उंगली या उसके साथ वाली उंगली धरती को स्पर्श न करती हो, अंगूठे के साथ वाली उंगली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती है और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत ही कठिन होता है। इनके चरित्र पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठा हुआ होता है, उस भाग की नसें काफी उभरी हुई होती है, तो ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं मानी जाती। इसके उल्टे अगर पांव का यह भाग मांसहीन सूखा हो, तो ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है, तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभता की निशानी माना जाता है। ऐसी महिलाएं जिनका ललाट यानी माथा लंबा होता है, तो वह अपने देवर के लिए अशुभ होती है। जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है, वे अपने ससुर के लिए अशुभ होती हैं, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा काफी भारी होता है, वे अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। जिन महिलाओं के होठों के ऊपर वाले भाग में अत्यधिक बाल होते हैं और इसके साथ ही कद लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। ऐसी स्त्रियां जिनके कान के ऊपर काफी बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में कलेश की वजह बनती है। मोटे लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते हुए प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। मसूड़ों का काला होना भी स्त्री के दुर्भाग्य की निशानी माना जाता है। जिस स्त्री की हथेली पर कोई ऐसा चिन्ह हो जो किसी मांस भक्षी पक्षी या पशु जैसे कोए, उल्लू, सांप, भेड़िया आदि की तरह दिखता हो, तो ऐसी स्त्रियां दूसरे के दुख का कारण बनती हैं। हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर और वे चपटी हो, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रहती हैं। जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी डरी डरी हो, तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है, जबकि ऐसी महिलाएं जिनकी आंखें चंचल और स्लेटी रंग की होती है, वे उत्तम मानी गई हैं। ऐसी महिला जिनके गालों पर हंसते समय गड्ढे पड़ते हो यानी कि डिम्पल दिखाई देते हो, उसका चरित्र अच्छा नहीं होता। जिस महिला की गर्दन छोटी होती है, तो ऐसी महिला अपने किसी भी निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहती है। वही जिसकी गर्दन की लंबाई चार उंगलियों से ज्यादा होती है, वे महिला अपने ही वंश का विनाश करती है।
चपटी गर्दन वाली महिलाओं की विशेषता उनका अत्यधिक गुस्सेल और क्रूर स्वभाव होता है, जिसके कारण उनका परिवार उनसे परेशान रहता है। हम यहाँ किसी भी तरह से स्त्री को शुभ या अशुभ की श्रेणी में विभाजित नहीं कर रहे हैं और न ही ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं जिससे स्त्री की गरिमा का हनन हो। यह एक सामान्य सा वीडियो है जिस पर विश्वास करना या न करना आपकी अपनी सोच और अनुभव पर निर्भर करता है, और यह जो भी हमने आपको बताया है यह वृहद संहिता में लिखित है, इसी वजह से बताया है ताकि आप अपने आने वाले जीवन साथी की परख और उन्हें समझकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। बस किसी का अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।